Assalamualaikum friends and welcome back to Cook with Rainy's Kitchen. आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी। तो आज ये सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ हल्की सी ग्रेवी के साथ, और आलू गोभी की ड्राई सब्ज़ी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप सबसे पहले गोभी को सोक करके रख दें गर्म पानी में, जिससे कि वो अच्छे से वॉश हो जाए। अब यहाँ दूसरी तरफ मैंने एक प्रेशर कुकर में ऑयल हीट किया है, इसमें ऐड कर दिया है अनियन। अनियन को हल्का सा फ्राई हो जाने देंगे, और इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हम अनियन को थोड़ा ज़्यादा फ्राई करेंगे। और गोभी को हम इसलिए सोक करते हैं जिससे कि ये बहुत अच्छे से वॉश हो जाए, और इसमें अगर कीड़े वगैरह हों तो वो हमें नज़र आ जाएँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कढ़ाई में मैंने आलू को फ्राई करने के लिए रख दिया है, साथ साथ में आलू भी फ्राई हो जाएंगे। तो ये प्याज हमारी अच्छे से रेड हो गई थी, फ्राई हो गई थी, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है हींग और इसके साथ में ही जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसके बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पर मैंने इस सब्ज़ी को बनाने के लिए अनियन को थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई किया है, और इसके बाद मैंने इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है, और इन दोनों चीज़ों को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके साथ में ही मैं इसमें कोरिएंडर पाउडर भी ऐड करूँगी। गाइस, इस सब्ज़ी को बनाना बहुत आसान है, और इसके साथ में ही ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होती है। तो आप इसे राइस के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठा के साथ खा सकते हैं। तो ये मसाला हमारा आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से भुन गया है, तो इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी टोमेटोज़, और टोमेटोज़ को मैंने थोड़ा सा फाइन चॉप किया था जिससे कि इन्हें गलाना आसान हो जाए। और अच्छे से आप इसे कुक करेंगे। इस ग्रेवी को बनाने के लिए यहाँ पर हमें मसाला अच्छे से भून लेना है, क्योंकि मसाला जितना ज़्यादा टेस्टी होगा उतनी ही अच्छी हमारी सब्ज़ी बनेगी। तो टोमेटोज़ आप यहाँ पर ढेर सारे ऐड कर दें, जितनी गोभी ली है उस के अकॉर्डिंग आप टोमेटोज इसमें ऐड करें। अच्छे से मिक्स कर देंगे और टोमेटो फ्राई हो जाने देंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे हमारे आलू एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गए, तो मैं इनकी साइड चेंज कर दूंगी और दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लूंगी। आलू को इस तरह से फ्राई करने से ये बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, और आलू के बाहर एक लेयर सी फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी नहीं दिखता है सब्ज़ी में, बट ग्रेवी के साथ ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे ये टोमेटोज़ भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, और ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी होने वाला है। हल्का सा टोमेटो मैशी हो गया है, तो मैं इसे थोड़ा सा स्पैचुला की हेल्प से प्रेस करके मैश कर दूँगी, और इसके साथ में ही मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर दूँगी। और फिर इसके बाद हम गोभी में से पानी हटाकर और अच्छे से इसे चेक करके फिर इसमें ऐड करेंगे। मैंने गोभी को इसलिए भी सोक किया था क्योंकि अभी हमारे यहाँ की गोभी तो आ नहीं रही है, बाहर की गोभी है ये, और इसमें कई बार कीड़े भी होते हैं, और इसके साथ में ये हल्की सी टेस्ट में कड़वी होती है, तो इसलिए मैंने इसे पानी में सोक किया था जिससे सब्ज़ी गोभी की कड़वाहट ना आए। और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर पानी आप अपने अकॉर्डिंग में ऐड करें, जितना भी आप पानी अपनी ग्रेवी में रखना चाहते हैं इतना पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, और इसके बाद हम इसे 2 विसल्स तक के कुक करेंगे। यहाँ पर मैं मीडियम फ्लेम पर 2 विसल्स लूँगी इसमें, और इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं दूसरी साइड आलू हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो यहाँ पर गोभी हमारी कम्प्लीटली कुक हो चुकी है, और ये प्रेशर लूज़ हो चुका है, तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, तो हम इसे हल्का सा यहाँ पर मैश कर देंगे, और आप चाहें तो आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसे हल्का सा ग्रेवी को थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए एक भाजी मैशर की हेल्प से मैं 1-2 बार इसे मैश कर दूंगी, जिससे हल्की सी ये टूट जाए और ग्रेवी जो है हमारी वो थिक हो जाए। तो आप चाहें आप गोभी को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मैश कर दिया है। तो ये अच्छे से मैश हो गई है, इसके बाद ये मसाला तो हमारा बिल्कुल रेडी है। वहीं दूसरी तरफ आलू भी अच्छे से फ्राई हो गए थे, और अंदर तक के सॉफ्ट हो गए हैं, कुक हो गए हैं बिल्कुल कम्प्लीटली। और इस स्टेज पर मैंने आलू इसमें ऐड कर दिए हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे, और आप देखेंगे हमारी सब्ज़ी रेडी है। गार्निश करेंगे इसे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स के साथ, और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें,
और बेल आइकन को प्रेस कर जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहें। गाइस मेरी आज की रेसिपी में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो।